नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। स्टॉक मार्केट बहुत ही विचित्र चीज है, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं आपको, इस चीज से पता चल जाएगा जो अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। शेयर मार्केट में अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो फिर ऊपर चला जाता है, नीचे जाना है तो नीचे चला जाता है, नंबर्स के दम पर वो अपने आप ही डिसाइड कर लेता है। हम और आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये स्टॉक बता रहा है, स्टॉक का प्राइस 11% भागा हुआ है करंटली, और भागने के पीछे का रीजन पता है क्या है आपको? भागने के पीछे का रीजन है इसके क्वार्टरली नंबर। अगर आप नंबर देखो तो साल दर साल तो ठीक है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही, बढ़िया दिख रहे हैं, पर इतने कुछ खास नहीं जिस हिसाब से रिएक्शन है 12% का, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट आधा रह गया है, लेकिन शेयर का प्राइस डबल हो गया आपका, डबल मीन 12% ऊपर है। अब ऐसे में आम व्यक्ति करे तो क्या करे? देखिए, पहले तो आप एंजॉय करो प्रॉफिट को, लेकिन ये चीज इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये एक मिनट का पैरा जो मैंने भी शेयर करा कि विचित्र है, रिजल्ट्स के दम पर ट्रेड नहीं करना है, रिजल्ट्स पे कोई रिएक्शन आएगा नहीं आएगा आपको नहीं पता, वो सब इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ट्रेड करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं, रिजल्ट आ रहा है, बड़ा मूव आएगा, अच्छे नंबर है, खरीदो, रिएक्शन आएगा नहीं आएगा वो आपको हमें नहीं पता। मैं आपके साथ पोस्ट मार्केट में रिजल्ट डिस्कस करता हूं, रिजल्ट्स अच्छे हैं, मैंने अच्छे बता दिए, कल स्टॉक टूट गया तो लोग कहते हैं भाई आप तो कह रहे थे रिजल्ट अच्छे हैं, स्टॉक बढ़ेगा, मैंने स्टॉक का प्राइस डिस्कस नहीं करा, मैंने आपके साथ रिजल्ट्स डिस्कस करे, जो रिजल्ट्स हैं वो आप पूछो, वो आप देखो समझो, वो अलग है और रिएक्शन अलग है। अब आते हैं इस कंपनी के बारे में। सबसे पहले स्टॉक का नाम है हेस्टर बायोसाइंसेस लिमिटेड। करंटली स्टॉक का भाव आपके लिए 12% ऊपर ट्रेड कर रहा है, लगभग 1900 रुपए के भाव पर, अभी 10% ऊपर रह गया है, और ये रीजन है रिजल्ट्स का। 12:17 का समय हो रहा है और 12:15 पे कंपनी के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, स्टॉक ने 10% का स्पाइक दे दिया। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं इस कंपनी के रिजल्ट्स कि रिजल्ट्स कैसे हैं। अगर आप कंपनी के रिजल्ट्स देखोगे तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस पे 3.9 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 3.9 करोड़ से बढ़कर 5.9 करोड़ पे आया साल दर साल, तो ये साल दर साल तो प्रॉफिट बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे ना तो कुछ खास नहीं है, 5.7 करोड़ से बढ़कर 5.9 करोड़ पे तो थोड़ा सा जंप है, जिसमें अगर आप दिसंबर क्वार्टर का प्रॉफिट देखें तो वो 12 करोड़ का था, तो उसके सामने तो ऑलमोस्ट आधा है, बट दिसंबर क्वार्टर से कोई कंपेयर नहीं करता, या तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर होते हैं रिजल्ट्स या ईयर ऑन ईयर बेस पे होते हैं। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें, दोनों पे जंप है, ईयर ऑन ईयर बेस पे ज्यादा जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा कम जंप है, बट जंप है। अब अगर बात करूं मैं इसके सेल्स यानी कि रेवेन्यू की, 87.8 करोड़ पे कंपनी ने रेवेन्यू पोस्ट कराया, 50.7 करोड़ से बढ़कर आया, तो बहुत ही शानदार रेवेन्यू है साल दर साल तो। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 67 करोड़ से बढ़कर 87.8 करोड़ पे रेवेन्यू, तो दोनों जगह जंप है और अच्छे नंबर्स हैं, ओवरऑल ये नंबर नो डाउट अच्छे हैं, बट अब देखिए मैंने क्या कहा था, ओवर रिएक्शन था, अब नीचे आ गया, 6% ऊपर रह गया, तो वो अचानक से जो ये ट्रेड करने के लिए चले जाते हैं हम रिजल्ट्स को देखकर, ये तो 20% जाएगा 10%, वो गलत है, 6.5% रह गया, ये 4% की वॉलिटिलिटी में कितने लोग फंस गए होंगे सोचो आप। अभी ये वीडियो एंड होते होते दोबारा ऊपर चला जाए तो मैं कह नहीं सकता, आगे बढ़े। अगर कामकाजी मुनाफा 7.4 करोड़ से बढ़कर 14.4 करोड़ साल दर साल, एंड 11.67 करोड़ से बढ़कर 14.4 करोड़ ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो हर जगह प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन इतना कुछ नहीं था कि 20-15-12-13% स्टॉक भागे, इसीलिए स्टॉक का प्राइस अब थोड़ा सा आपके लिए नीचे आता हुआ दिख रहा है, दोबारा 7.5% ऊपर हो गया। मार्जिन की बात करें तो 14.66% से बढ़कर 16.35% पे मार्जिन आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ओवरऑल नंबर अच्छे हैं, बढ़िया हैं, और स्टॉक भी बढ़िया रिएक्शन दे रहा है, करंटली 7% ऊपर है। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं लेवल्स इस स्टॉक के जो दिखते हैं मुझे, करंटली 7% ऊपर है, 1700 रुपए का आज का लो है और हाई लगा है 1940 का, बहुत बड़ा हाई लगा है, करंटली 1824 पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर से देखोगे तो 115 रुपए तो नीचे आ गया है, 5% समथिंग नीचे आ गया है। तो इस तरीके की वॉलिटिलिटीज को अवॉइड करें, इस तरीके के रिजल्ट्स को आप अवॉइड करें, स्पेशली कैश मार्केट में शार्प मूव आता है, ट्रेड करने की कोशिश ना करें, बड़ा पैसा नुकसान हो जाता है लोगों का और एक ही झटके में चला जाता है, मौका भी नहीं मिलता कुछ करने का, ऐसे लिए अवॉइड करने की राय देता हूं। बाकी ओवरऑल स्टॉक ऊपर में 2800-3000 रुपए के हाई दिखाए रखे हैं स्टॉक ने, मेरे को लगता है ना कि ये लोएस्ट एंड पे ही खड़ा है अपने, ज्यादा कुछ दिक्कत है नहीं, स्टॉक बढ़िया है, नो डाउट क्वालिटी है, लॉन्ग टर्म में पैसा भी बनाया है, 10 साल में 300% के रिटर्न है, कुछ ज्यादा नहीं है, 30% की अगर आया, बट एक समय में स्टॉक ने आपको 2800 अप्रैल 2022 में दिखाया है, और अभी लोएस्ट पॉइंट पे ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे 1600 रुपए का कोई अगर ऐसा रख सकता है डीप तो रखना चाहिए, स्टॉक ऊपर में 2200-2400 रुपए के लेवल आपको दोबारा दिखा सकता है, लॉन्ग टर्म पर्पस के ले सकते हैं, छोटा कंपनी है, लगभग 1500-1600 करोड़ का मार्केट कैप आई थिंक इस कंपनी का, जी हाँ 1500 करोड़ का मार्केट कैप है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल 9.5% का है, बुक वैल्यू 350 रुपए 330 रुपए की इनफैक्ट,
और 1700-1900 रुपए पे ट्रेड करा है, तो महंगा तो डेफिनेटली है। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी अपडेट, रिजल्ट प्लस स्टॉक का एक्शन, और मैंने आप सभी के साथ व्यू भी शेयर करा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।